मुझे कुछ शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मुझे मेरे सदन के साथी को बोलना पड़ रहा। पढ़े लिखे नहीं बोल सकते, उनको लिखा पढ़ा, क्योंकि पढ़ा लिखा और लिखा पढ़े में अंतर है। इन भाई साहब को पता नहीं कौन सा नशा आ गया है, रात भी ये चिल्ला रहे हैं धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म। तो भाई राजनीति में क्या बाबा बन के हुंकार चले जाते हैं। एक भाजपा का नेता बोल रहा है कि हमारे इलाके में बीजेपी से जुड़े आदिवासी लोग अब तैयार हो रहे हैं, तो भाजपा का नेता बोल रहा है कि इनको लत मारो, उनके घरों में आग लगाओ, ये भाजपा का नेता बोल रहा है। ये राष्ट्रवादी है या आतंकवादी है? लेकिन प्रशासन चुप बैठा हुआ है, मीडिया चुप बैठी हुई है। कौन है वो नेता? सुनने में आ रहा है नन्ना रावत जो है, ये सही बात है? एक आदत मुझे तो आपको फील होगा, वही होगा क्या होगा? ये सच्चाई है। हमारे दरियाबंद विधायक खावरचंद भाई पे जो एक हमला की तरह हुआ, उनके स्टाफ के साथ मारपीट हुई, मारपीट अपन भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा वो सिखाती नहीं, जहां तक हो सके तब तक। मंत्री वो कह रहे हैं कि बीएपी वाले बोल रहे हैं कि आदिवासी भाई बेटियों की शादी मुस्लिम समाज से कर लेंगे। शर्म आनी चाहिए, तुम बताओ किसने बोला, कहां बोला? इतना झूठ अंग्रेजों की नीति अपना रहे। आज राजस्थान सरकार ने उनको आदिवासियों के कल्याण के लिए बीएपी मंत्री बनाया है, लेकिन बाबूलाल जी आज भाजपा प्रचारक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, टीएडी का अता पता नहीं है। पिछली बार गहलोत जी की सरकार थी, हमने प्रेशर बना के अलग से जनजाति विकास कोष बनाया था और 1,000 करोड़ का प्रावधान कराया था, उसका भी सही तरीके से उपयोग नहीं है। ये दोनों जोड़ के डूंगरपुर उदयपुर आ रहे हैं, उनकी कोटड़ा में क्या स्थिति है बाबूलाल जी की? वहां जाड़ो कोटड़ा के अंदर आज भी हमारे आदिवासी समुदाय की बहन बेटियों का सौदा कर रहे हैं, जो पेट में बच्चा है उसका सौदा हो रहा है, और ये देश के या धर्म की रक्षा करने निकल गए। इनके आगे अंधभक्ति का चश्मा पहना दिया है धर्म का, उनको टीएडी डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है। उदयपुर वाले साथियों, विशेषकर झाड़ोल वाले साथियों, टीएडी मंत्री जी को बताओ कि आपका जो चश्मा है वो चश्मा उठा लो और टीएडी डिपार्टमेंट को देखो, आदिवासी को कहना है इन सबको। और आज कह रहा हूं मैं, मन्नालाल जी को कह रहा हूं, बाबूलाल जी कह रहा हूं, आप चैलेंज करता चुनाव से कि आप खुद चुनाव करा लो, आप अपन चुनाव लड़ो, आपकी जमा जब्त करा दे। लोकतंत्र की जो सबसे बड़ी चाबी है वो वोट है, और वोट के माध्यम से ऐसा लोग करेंगे आपका कि कभी वापस नहीं खुलेगा। आपने देखा होगा ये बिरसा मुंडा कार्यशाला बनाई, उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा का नाम आगे रख रहे ताल के रूप में। भाजपा के नेताओं को इन 5 सालों के अंदर बिरसा मुंडा याद आए, इन 5 सालों के अंदर राणा भुजा याद आए, इन 5 सालों के अंदर विक्रम अंबेडकर जी याद आए, इन 5 सालों के अंदर अभी उनको टाटा भी याद आया। एक बात बताना, भाजपा ने उदयपुर संभाग के अंदर किस आदिवासी महापुरुष की प्रतिमा लगाने का काम किया है? किसी कोने में कहीं लगाया है? उदयपुर संभाग, बांसवाड़ा संभाग, पूरे आदिवासी इलाके के अंदर भाजपा ने कहां पर आदिवासी महापुरुष या अंबेडकर जी की प्रतिमा या उनके कहीं चौराया घोषित करने का काम किया है? कहीं अब तक नहीं याद आए थे, अब याद आए बिरसा मुंडा जी, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में जाना है, आदिवासी महापुरुष को ढाल बना के इसका भी उपयोग कर रहे हैं। हमारे महापुरुषों का भी उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज कह रहे हैं हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन आदिवासी है, तुमको किसने हाथ दिया कि तुम तय करोगे कौन आदिवासी कौन नहीं है? आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्था का समुदाय है। आदिवासी समुदाय न हिंदू है, न ईसाई है, न मुस्लिम है, न सिख है। आदिवासी अपनी खुद की आइडेंटिटी है, और भाजपा के लोग जबरदस्ती बना रहे हैं, बोलते करेंगे हम कौन से धर्म में आते हैं। ये भी हिंदू के नाम से भी हिंदू धर्म का भी उपयोग कर रहे हैं लोग। झारखंड के अंदर भाजपा ने 2021 के अंदर भाजपा सबसे बड़ी विपक्ष पार्टी के रूप में है, और झारखंड विधानसभा से बिल पास किया। क्या बिल पास किया? आदिवासी समुदाय धर्म पूर्वी व्यवस्था का समुदाय है, आदिवासियों की परंपरा रीति रिवाज सभी धर्मों से अलग है। उस बिल में लिखा हुआ है कि आदिवासी
समुदाय की परंपरा, उनकी मान्यता न हिंदू से मेल खाती है, न ईसाई से मेल खाती है, न बौद्ध से मेल खाती है। आदिवासी समुदाय की अपनी खुद की व्यवस्था है। उस बिल में लिखा है कि आदिवासियों के लिए अलग से जनगणना बोलो, धर्म बोलो जारी किया जाए। और भाजपा के जो प्रतिपक्ष नेता है उन्होंने समर्थन किया है कि आदिवासियों का अलग से धर्म कोड जारी किया जाए। तो झारखंड की भाजपा और राजस्थान की भाजपा अलग है, बात के लिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है झारखंड में, और यहाँ के लिए आदिवासी हिंदू है। जब भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए थे, प्रदेश प्रभारी ने कहा राजकुमार तो बहुत अच्छा आदमी है, जो आज 78 सालों तक किसी नेताओं में किसी पार्टियों ने नहीं किया वो राजकुमार रोड और भारत आदिवासी पार्टी कर रही है। ये भाजपा के प्रदेश प्रभारी महोदय ने बोला। मैंने कहा आपने सच्चाई को स्वीकार किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर के नेता बोला गए भाजपा के, तुमने हमारी बेइज्जती कराई, अरे कितनी सच्चाई थी। और मैंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि राजकुमार जी रोज भाजपा के साथ आके अच्छा कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे आने की जरूरत नहीं है, राजकुमार जो चाहता है वो आप कर दो, जनता आपके साथ आ जाएगी। लेकिन वो नहीं करने देंगे। बेचारे प्रदेश प्रभारी जी को भगा दिया, बंद कमरे में ले जाकर उनको बोल डाला भाजपा के नेताओं ने, तुमने सच्चाई बता दी इस इलाके की, हमारी पोल खोल दी, हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, यूं करके बोल डाला बेचारे प्रदेश प्रभारी। पूरे देश के अंदर भाजपा ने राम मंदिर के नाम से, अयोध्या के नाम से प्रचार किया, और जो अयोध्या सीट थी वही भाजपा पूरी तरह से हार गई। मैं लोकसभा में ढूंढता गया, जो अयोध्या सीट से सांसद चुन के आए हैं उनके पास उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूछा, मैंने कहा तो आपने ऐसा क्या किया अयोध्या में, जो अयोध्या के नाम से पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा था वहीं पर आप भाजपा हार गई, आप जीत के आ गए। उन्होंने कहा कि राम ने किसी का घर उजाड़ने का नहीं कहा, भाजपा ने घर उजाड़ने का काम किया वहां पर। राम ने किसी के दोस्तों की रोटी छीनने का नहीं कहा था, नफरत फैला करने का नहीं कहा था। और जो सांसद थे उनके भर बता रहा हूँ, उन्होंने बताया अयोध्या के अंदर रहने वाला प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति, जो ब्राह्मण हो या राजपूत हो, सबने बीजेपी के खिलाफ वोट किया, ये बताया।